हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे WWE क्लैश एट द कासल 2024 के मैच कार्ड प्लस उसकी इंडिया में टाइमिंग के बारे में। तो अपने टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो शो पर सबसे पहला मैच हमें देखने को मिल सकता है वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, बियांका बेलेयर एंड जेड कारगिल वर्सेस अल्फा फायर एंड आइला डॉन वर्सेस शेना बेज़लर एंड ज़ोए स्टार्क। तो जैसे कि हमें पिछले कुछ टाइम से दिख रहा है कि शेना बेज़लर और ज़ोए स्टार्क की फ्यूड चल रही है बियांका बेलेयर और जेड कारगिल के साथ, और अल्फा फायर और आइला डॉन को शायद इस मैच में इंसर्ट किया गया है क्योंकि वो स्कॉटलैंड से ही है। लेकिन इस मैच में कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पे हमें टाइटल चेंज देखने को मिलेगा क्योंकि बियांका बेलेयर और जेड कारगिल WWE बहुत स्ट्रॉन्ग बुक कर रही है और उनके पास टाइटल आए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो मेरी प्रिडिक्शन इस मैच में रहेगी बियांका बेलेयर और जेड कारगिल के साथ कि वो इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन करेगी। अगला मैच है सैमी ज़ेन वर्सेस चैड गिबल फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। ये सैमी ज़ेन और चैड गिबल के बीच में तीसरा मैच होने वाला है और इस मैच में हमें कई चीज़ें देखने को मिल सकती है, और इतना तो कहा जा सकता है कि इस मैच में ओटिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। अगर चैड गिबल चैंपियन बनते हैं तो उसमें भी ओटिस का ही रोल होगा, और अगर चैड गिबल इस मैच को हारते हैं तो उसमें भी ओटिस का रोल ही होगा। या फिर एक और चीज़ हमें इस मैच में देखने को मिल सकती है वो है क्रीड ब्रदर्स। लेकिन अगर बात करें इस मैच के रिजल्ट की तो मेरी प्रिडिक्शन इस मैच में सैमी ज़ेन के साथ रहेगी कि वो इस मैच में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। अगला मैच है बेली वर्सेस पाइपर निवेन फॉर द WWE वुमेंस चैंपियनशिप, और इस मैच में भी कोई चांस नहीं है कि पाइपर निवेन बेली को हराएंगी। और कोडी रोड्स और एजी स्टाइल्स के बीच में ये दूसरा मैच होने वाला है। इससे पहले ये मैच हुआ था बैकलैश में जहाँ पर स्टाइल्स चैंपियनशिप नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार ये मैच थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इस बार इसमें एक स्टिपुलेशन है आई क्विट। तो कोडी रोड्स सिंपली तो इस मैच में आई क्विट कहेंगे नहीं, एक ही चीज़ होने पर वो आई क्विट कह सकते हैं अगर उनकी फैमिली को इस मैच के बीच में इन्वॉल्व किया जाए तो। अगर स्टाइल्स कोडी रोड्स के साथ माइंड गेम्स खेलते हैं और उनकी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस केस में कोडी रोड्स आई क्विट कह सकते हैं। लेकिन हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को हराकर WWE चैंपियनशिप को जीता है, तो WWE इतनी जल्दी तो कोडी रोड्स के पास से चैंपियनशिप नहीं लेने वाली। इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन रहेगी कोडी रोड्स के साथ कि वो इस मैच में एजी स्टाइल्स को हरा देंगे। और सुपर फाइनल मैच होगा डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकइंटायर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो WWE का जो पहला क्लैश एट द कासल इवेंट हुआ था उसमें भी ड्रू मैकइंटायर ने चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया था, लेकिन वहाँ पर वो चैंपियन नहीं बन पाए थे। लेकिन इस साल सबको ये लग रहा है कि फाइनली ड्रू मैकइंटायर अपने होम कंट्री में चैंपियनशिप को जीत जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ड्रू मैकइंटायर इस बार भी चैंपियन नहीं बन पाएंगे। और इस मैच में मेजर रोल प्ले करेंगे CM Punk। तो CM Punk का यहाँ पर हमें इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है और वो ड्रू मैकइंटायर को इस मैच को कोस्ट करेंगे। इसके बाद समर स्लैम में हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस CM Punk का मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर इस मैच में ड्रू मैकइंटायर जीत भी गए तो समर स्लैम में हमें फिर ड्रू मैकइंटायर और गुंथर का मैच देखने को मिलेगा, और ड्रू मैकइंटायर और CM Punk का मैच फिर से डिले हो जाएगा, और WWE ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। तो सिंपली इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन रहेगी डेमियन प्रीस्ट के साथ कि वो इस मैच में अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन करेंगे। अगर बात करें बैटिंग ओड्स की तो WWE चैंपियनशिप मैच को जीतने के लिए फेवरेट है कोडी रोड्स, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच को जीतने के लिए फेवरेट है ड्रू मैकइंटायर। बेली वर्सेस पाइपर निवेन के मैच में बेली क्लियर फेवरेट है मैच को जीतने के लिए। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच में यहाँ पे हमें टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है क्योंकि चैड गिबल इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। और अगर बात करें क्लैश एट द कासल की इंडिया में टाइमिंग को लेकर, इसका मेन शो स्टार्ट होगा कल रात को 11:30 बजे से, और इसको आप देख सकते हो Sony 10/1 या 10/1 HD पर इंग्लिश में और Sony 10/3 पर हिंदी में। और शो के बाद चैनल पर रिव्यू वीडियो भी आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।